साइबर सिटी में 22 वर्षीय युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। वारदात शहर के पास सेक्टर 44 इलाके के रमाड़ा होटल के सामने की है, जहां सेक्टर 9 का रहने वाला विशाल पैदल ही कंपनी में जा रहा था कि तभी अज्ञात बदमाशों ने विशाल की छाती पे गोली मार दी। विशाल को गंभीर हालात में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल सेक्टर 9 का रहने वाला विशाल सेक्टर 44 की paisabazaar.com कंपनी में काम करता है, और इसी कंपनी में बीते दिनों किसी बात को लेकर विशाल का झगड़ा भी हुआ था। थाना प्रभारी सेक्टर 40 की माने तो पुलिस का यह शक है कि विशाल पर जानलेवा हमले की साजिश कंपनी में हुए झगड़े से हो सकती है। बहरहाल मौके पर पहुंचे गुरुग्राम पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आइए देखते हैं थाना प्रभारी की ये बाइक। आज हमारे पास एक सूचना आई थी कि कनई गांव में रमाडा होटल के सामने एक युवक को गोली मारी है। मौके पे पहुंच के उसकी वेरीफाई किया गया तो किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने जो है ना एक 22 साल का लड़का विशाल का जो सेक्टर 9 का गुड़गांव का रहने वाला है उसको किसी ने गोली मार दी है। जो पैसा बाजार में काम कर रहा था आर्टेमिस हॉस्पिटल में अभी उसको इलाज चल रहा है। मामला अभी उसको वेरीफाई करने लग रहे हैं तो कोई वहीं आपस में ही किसी बच्चों का आपस में झगड़ा है उसी को लेके शायद पैसा बाजार में। अभी कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आए हैं, इन्वेस्टिगेशन करने लग रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने लग रहे हैं। एक ही गोली लगी है, छाती में गोली लगी है। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।